नमस्कार दोस्तों, आज बनाते हैं कटहल की सब्जी। ये विटामिन सी रिच वेजिटेबल है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम मैग्नीशियम होता है, जो बीपी के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत हेल्दी रहता है। तो हमने दो टमाटर, दो प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, कुछ मसाले और खड़े मसाले लिए। पैन में डालेंगे सरसों का तेल और कटहल को फ्राई करेंगे। कटहल को गोल्डन फ्राई होने तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है इसको। और जब कटहल अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, इसको हमने ट्रायंगल शेप में काटा है और फ्राई होने के बाद फिर हम इसमें अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने खड़े मसाले डाल लिए हैं, जो तेल बचा था उसी में, और जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट अब डाल के अच्छी तरीके से इसको भूनना है। जब मसाले और पेस्ट भून जाएगा फिर हम डालेंगे इसमें हम अपने अनियंस। प्याज जब अच्छी तरीके से भून जाएगा उसके बाद डालेंगे हम टमाटर और इसकी एक रिच ग्रेवी तैयार करेंगे। अब हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून गए हैं तो इसको हम मैशर से मैश करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ग्रेवी थिक हो जाए और जो हमारे फ्राई कटहल हैं उसमें वो अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए। अब हम डालेंगे अपने जो खड़े मसाले थे, हमने सिर्फ चार मसालों का यूज़ किया है, कोरिएंडर, टर्मरिक, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। मसाले आप अपने स्वादानुसार रख सकते हैं। जब ग्रेवी अच्छी तरीके से पक जाएगी तो हम इसमें डालेंगे अपने फ्राई जैक फ्रूट और कटहल डालने के बाद अब इसको अच्छी तरीके से भूनना है। उसके बाद 1 कप वाटर डाल के इसके पानी को सुखाना है। जब एकदम ग्रेवी ठीक हो जाएगी तो हमारा कटहल बनकर तैयार हो जाएगा। मीडियम लो फ्लेम में इसको अच्छी तरीके से पकाना है। देखिए, अब हमारा ग्रेवी ठीक हो गई है तो कटहल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जब कटहल तैयार हो जाएगा तो इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे अपने कोरिएंडर लीफ, धनिया के पत्तियाँ जो हमने बारीक काट के रखी हुई हैं, उसे गार्निश के लिए रखना है। तो हमारे हेल्दी जैक फ्रूट की सब्जी तैयार है। ये रिप्लेसमेंट है नॉन वेज का, कुछ लोग इसको वेज मटन भी कहते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से चपाती, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।